नमस्कार, इस वक्त हम सीएम आवास के बाहर से हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी जगह पर राज्य के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे। 5 ही दिन पहले वो जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद से ही उनकी गतिविधियां जो है वो बढ़ गई थी। अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो सत्ता परिवर्तन हो सकता है, मुख्यमंत्री का नया चेहरा हो सकता है। मुख्यमंत्री पद के नए चेहरे पर, हेमंत सोरेन के चेहरे पर सहमति बनी है। जो तमाम जो विधायक है गठबंधन दल के, उन्होंने हेमंत सोरेन को ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए सहमति जताई है। चंपई सोरेन का कार्यकाल लगभग 5 महीनों तक चला। 2 फरवरी को वो सीएम बने थे और अब हो सकता है कि आज वे इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने को लेकर और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने को लेकर अभी एक धुन सी बनी हुई है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो राज्य में नहीं है। राज्यपाल के आने को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं है। कहा जा रहा है कि वो शाम को झारखंड वापस आ सकते हैं, तो उनके आने के बाद जो है ये देखा जाएगा कि आज ही शपथ ग्रहण होता है या क्या होता है। फिलहाल जो तमाम जो विधायक है जेएमएम के, राजद के, सीपीआईएम के और कांग्रेस के, वे सभी सीएम आवास के भीतर हैं। सभी बैठक कर रहे थे, सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो विधायक है वो 9 बजे से ही आना यहाँ शुरू कर चुके थे। 11 बजे के आसपास विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हुई। उसमें तमाम जो विधायक थे शुरुआत में वो हिचक रहे थे इस बात पर बातचीत करने के लिए कि सरकार के जो चेहरा है मुख्यमंत्री पद का, जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदल भी सकता है। लेकिन अंत में जो बैठक शुरू हुई, जो खबरें बाहर निकल कर आईं कि आज जो बैठक थी वो खासकर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर ही होने वाली थी, और ऐसा ही हुआ और जो मुख्यमंत्री पद हैं, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदल सकता है। अब चंपई सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन बनेंगे। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले वे 2 बार बन चुके हैं। काफ़ी लंबा कार्यकाल चला था उनका पिछला बार का, लेकिन ईडी ने जब उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद इसी तरह जिस तरह आज यहाँ पर जो तमाम जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, 31 जनवरी को भी वो यहीं पर थे। सबने सहमति जताई कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और आज दोबारा से उसी प्रकार का एक मीटिंग हो रहा है, उसी प्रकार की एक बैठक हो रही है, और इस बार नेता बदल गया है। इस बार हेमंत सोरेन पर सहमति बनी है। हेमंत सोरेन दोबारा से जो पार्टी की कमान है वो संभालेंगे। पार्टी की तो कमान वो इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष हैं ही, लेकिन अब वे सरकार में भी चेहरा बन रहे हैं। आने वाले 5 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं झारखंड में। इसे लेकर जो गठबंधन जो है वे ये चीज़ को लेकर क्लियर होना चाहता है कि उनका जो किसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन का चेहरा वे आगे कर रहे हैं, उन्हीं के चेहरे पर वे चुनाव लड़ेंगे। इस बीच कई नाम आए थे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम को लेकर भी आशंका जताई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बीच में जो खबरें आईं, अनौपचारिक खबरें थी कि कल्पना सोरेन को नाम को लेकर चंपई सोरेन का बेहद नाराज़ थे कि अगर वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते भी हैं तो नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बनेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो इसको लेकर के भी ये चीज़ें हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद अंत में जो अब तक खबरें आ रही हैं वही है कि हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वे आज लेंगे, कल लेंगे, इस पर अब तक धुंध बनी हुई है। राज्यपाल राज्य में नहीं है, वे कब लौटेंगे उसके बाद ही ये चीज़ें साफ होंगी। फिलहाल के लिए हमारी नज़रें बनी हुई हैं तमाम खबरों को लेकर। शुक्रिया।